जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी द्वारा संघ मुख्यालय की रैकी मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई है। सेंट्रल जेल परिसर में जल्द ही पेट्रोल पंप शुरू किया जाएगा। 3 पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारी हाल ही में सेंट्रल जेल परिसर में सर्वे करके जा चुके हैं। लाखों रुपए के स्टेशनरी घोटाले में महानगर पालिका के स्टोर इंचार्ज को गिरफ्तार किया गया। अन्न व औषधि विभाग ने नागपुर जिले में करीब 700 आंगनवाड़ी सेविकाओं को सुरक्षित व हेल्दी खाना बनाने की ट्रेनिंग दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश करते हुए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने रोजगार, मकान और शिक्षा आदि के संबंध में कई बड़ी घोषणाएं की। आर्थिक संकट से जूझ रहे महावितरण को इससे बाहर निकलने के लिए महावितरण अधिकारी एक एक दिन गांव में रहकर उपभोक्ताओं से संवाद कर उनकी काउंसलिंग करेंगे।